दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले को भारतीय टीम जीते तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मुकाबले में भारतीय बल्लेबाजों ने सारी हदों को पार करते हुए वो घटिया बल्लेबाजी की जिसकी शायद किसी ने कल्पना नहीं की होगी। विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे दिग्गज खिलाड़ी भी फ्लॉप रहे तो टीम सिर्फ 78 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। लेकिन इसके बावजूद इंग्लैंड की शुरुआत मुकाबले में काफी शानदार रही। चलिए बताते हैं आपको पूरे मैच की हाइलाइट्स के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि भारत और इंग्लैंड के बीच में से तीसरा टेस्ट मैच कौन सी टीम जीतेगी? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेली जा रही 5 टेस्ट मैचों की लंबी सीरीज का तीसरा टेस्ट मुकाबला लीड्स के मैदान पर 25 अगस्त से शुरू हुआ। इस मैच का टॉस जीता भारतीय कप्तान विराट कोहली ने और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। लेकिन कप्तान विराट कोहली का यह फैसला पूरी तरह से भारतीय टीम के पक्ष में नहीं रहा, क्योंकि सलामी बल्लेबाज केएल राहुल तो जेम्स एंडरसन के पहले ही ओवर में विकेटकीपर जॉश बटलर को अपना कैच थमा बैठे। अफसोस की बात तो ये रही कि केएल राहुल इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल सके। लेकिन उसके बाद बल्लेबाजी करने आए चेतेश्वर पुजारा, टीम मैनेजमेंट को उनसे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन चेतेश्वर पुजारा ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। दरअसल जेम्स एंडरसन की बाहर निकलती गेंद पर चेतेश्वर पुजारा चकमा खा गए और गेंद सीधे बल्ले का किनारा लेते हुए विकेटकीपर जॉश बटलर के दस्तानों में चली गई और भारतीय टीम ने सिर्फ 4 रन के स्कोर पर ही अपने दो महान बल्लेबाज खो दिए। इसके बाद विराट कोहली भी सिर्फ 7 रन के स्कोर पर जेम्स एंडरसन की गेंद का शिकार हो गए। लेकिन इसके बाद रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह से जिम्मेदारी को संभाला, लेकिन 35 का आंकड़ा पार ही कर लिया था कि लंच के ठीक पहले अजिंक्य रहाणे 18 के स्कोर पर पवेलियन लौट गए। उसके बाद भारतीय टीम का कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर अपनी आंखें नहीं जमा सका। पहले ऋषभ पंत 2 रन बनाकर आउट हुए, उसके बाद रोहित शर्मा 19 रन बनाकर छठवें विकेट के रूप में आउट हुए और भारतीय टीम सिर्फ 78 रन के छोटे से स्कोर पर ही ऑल आउट हो गई। 78 रनों का ये स्कोर टेस्ट क्रिकेट के लिहाज से बेहद ही शर्मनाक स्कोर माना जाता है। लेकिन बावजूद उसके जवाब में भारतीय गेंदबाज जब गेंदबाजी पर उतरे तो फिर एक बार मोहम्मद शमी और जसप्रीत बुमराह का ये तूफान देखने को मिला। शुरुआत से ही दोनों ही गेंदबाजों ने इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर जमकर दबाव बनाया। इस बीच इंग्लैंड के बल्लेबाज पूरी तरह से लाचार नजर आ रहे थे, क्योंकि दोनों ही गेंदबाजों की गेंदों पर बड़ा शॉट खेलना काफी ज्यादा मुश्किल हो रहा था। आपको बता दें कि भारतीय टीम के ये गेंदबाज चाहे तक इंग्लैंड की टीम का कोई भी विकेट नहीं गिरा सके, लेकिन बावजूद उसके इंग्लैंड के बल्लेबाजों के ऊपर दबाव बनाने में गेंदबाजों ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। इंग्लैंड की टीम का स्कोर 21 रन हो चुका था और उसके बाद जब खेल शुरू हुआ तो भारतीय गेंदबाजों ने फिर एक बार कसी हुई गेंदबाजी का नजारा पेश करते हुए इंग्लैंड के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। दोस्तों, आपको बता दें कि इसके बाद इंग्लैंड के बल्लेबाज बहुत ही ज्यादा समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे। कप्तान विराट कोहली ने गेंदबाजी में परिवर्तन करते हुए सभी गेंदबाजों को आजमा लिया था। हालांकि इस बीच गेंदबाज कोई भी विकेट नहीं निकाल सके, लेकिन दबाव बनाने में कामयाब रहे और इंग्लैंड की टीम का स्कोर 58 रन हो चुका था और इस बीच टीम ने कोई भी विकेट नहीं खोया था। और जिस तरह से खेल जारी था, ऐसा लग रहा था कि पहले दिन का खेल समाप्त होने तक इंग्लैंड की टीम लगभग 100 रन के आसपास स्कोर खड़ा कर लेगी। वैसे दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है कि क्या भारतीय टीम तीसरे टेस्ट मुकाबले में वापसी कर पाएगी या फिर नहीं? नीचे हमें कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।